वेलकम बैक टू माय फ्रेंड नेचुरल ब्यूटी हेयर मैं हूँ सीमा। आप लोग के साथ में अपनी मैं वीकली हेयर केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैं 7 दिनों में कैसे क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ वो चीज़ आप लोग के साथ में आज शेयर कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ हेयर पैक। वेनसडे को आप अपने बालों में ऑयल लगे हुए बालों पर ही हेयर पैक का एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो कैसे पैक बनाना है वो दिखा देती हूँ। और ये जो पैक शेयर कर रही हूँ ये बालों की लेंथ को बहुत जल्दी से इंक्रीज करता है। जो चीज़ें इसमें हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर परचेज करनी चाहिए, जिनके पास में है वो कर लें, क्योंकि आप लोग के ही रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं बना रही हूँ। आप लोगों ने बोला था हाँ जी सीमा जी आप कीजिए, हमें अच्छा रहेगा। आप लोग जो बाल में जा करके जो एक्सटेंशन कराते हैं 25,000 30,000 40,000 50,000 ये, तो उनसे अच्छे हैं कि आप नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें जो कि आपके पास परमानेंट बाल हो सके और आपके परमानेंट बाल आपको लाइफ टाइम तक अच्छे घने मोटे आपके बाल होंगे। थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तो आपके बाल काफ़ी सुंदर और अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आप चाहें तो वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने बालों की प्रॉब्लम्स को दिखा करके रेमेडीज पूछ सकते हैं। हम इसमें आपको 4 रेमेडीज सजेस्ट करते हैं। दूसरा, आप चाहें तो 1 मंथ की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें हम आपको 8 से 9 रेमेडीज बताते हैं। दूसरा, आप चाहें तो हमसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं कस्टमाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं पैक कैसे बनाना है, ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पर आपको हेयर पैक बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी हैं वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर जो आप लोग के साथ में कल एक टोनर शेयर किया था, आप लोग नाम बताइएगा क्या इंग्रेडिएंट उसमें मेन था जो मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया था। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर नए होंगे तो उनके लिए मैं बता दूँ, पर्सली और आपका अल्फा अल्फा सीड्स का टोनर शेयर किया था, ठीक है। मैं उसको यूज़ कर रही थी और उसका ऑयल भी प्रिपेयर करके यूज़ किया मैंने, रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो जो टोनर मैंने बनाया और जो शैम्पू मैंने बनाया, ठीक है, तो उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए। जो इंग्रेडिएंट बच गए मैंने उनको स्टोर करके रखा है और उसी से मैं आपको आज पैक बनाना बता रही हूँ। तो ये इंग्रेडिएंट हमारे हैं अल्फा अल्फा के जो सीड्स होते हैं वो हैं, और जो हमारी पर्सली थी वो है, ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छे से ले लेना है आपको, और आपको इसमें डालना है 1 से 2 चम्मच ब्लैक कैस्टर ऑयल। जो पर्सली है ना आपका लीव्स है वो बहुत ही अच्छा होता है हेयर ग्रोथ के लिए। दूसरा, हमने डाला है ब्राह्मी हेयर ऑयल 1 चम्मच, घर पर बनाया है, इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट है थिकनेस को बूस्ट करने के लिए आपका यलंग एसेंशियल ऑयल, ठीक है। जो आप लोग के साथ में मैं चीज़ें शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोग इसको कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो आप खुद ही डिफरेंस देखना शुरू कर देंगे अपने बालों में। जो पर्सली है, स्पेशली आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, या फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, या आपको डेंगू हुआ था, या कोई भी चीज़ हुई थी, हेयर फॉल हो रहा है उससे, तो अगर आप उसको 1 कप पानी में उबाल कर पीना शुरू कर देते हैं, इनटेक करना शुरू कर देते ना, तो रिजल्ट्स आपको काफ़ी अच्छे आते हैं, ठीक। सारी चीज़ों को डालकर थोड़ा सा पानी डालना है और डालने के बाद से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, ठीक। ब्लेंड करने के बाद आपका ये जो पेस्ट है बनकर रेडी हो चुका है। आधे घंटे के लिए इसको इस तरीके से छोड़ दीजिए, सेट हो जाएगा, और उसके बाद अपने पूरे बालों पर टोनर अप्लाई करें और इसको 1 घंटे के लिए लगाएं ऑयल लगे हुए बालों पर, और उसके बाद आप शैम्पू कर दें। रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं जब आप यूज़ करेंगे, प्रयोग में लेंगे, जिनको जो फ़र्क आ रहा है वो ज़रूर बताइएगा। हेयर फॉल बहुत हो रहा है तो अपना टेस्ट कराइए ब्लड का, जिससे आपको पता लगेगा डेफिशिएंसी किस चीज़ में है आपकी, ठीक है। सो गाइज, देखा आपने हमारा जो पैक है बनकर के रेडी हो चुका है। इसको आपको ऑयल लगे हुए बालों पर लगाना है। जैसे कि आपने मान लीजिए मंडे ऑयल लगाया, जो ऑयल आपने मंडे लगाया है वही ऑयल आपका मंडे भी चलता है और ट्यूजडे भी चलता है। वेनसडे को आप ऑयल लगे हुए बालों पर ही अपना पैक लगा लेंगे 1 घंटे के लिए, उसके बाद आप शैम्पू कर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ये आए थे कि क्या हम ऑयल लगाएंगे बार बार क्या, जैसे हमने मंडे ऑयल लगाया तो क्या हम ट्यूजडे को भी ऑयल लगाएंगे, तो नहीं, आपको सिर्फ 1 बार ऑयल लगाना है, मंडे ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद से आप अपने बालों में फिर से कंघी कर लेंगे ट्यूजडे को कंघी करके आप अच्छे से ब्रेड बना लीजिए, और फिर आप क्या करेंगे वेनसडे को ब्रेड को खोलकर कंघी कर लीजिए, टोनर लगा लीजिए, और उसके बाद पैक लगा लीजिए, और उसके बाद 1 घंटे बाद आप शैम्पू कर लीजिए। इस तरीके से ये आपका चलेगा, ठीक है। तो कल की वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ में हेयर ऑयल, कौन सा हेयर ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ लंबे बालों के लिए। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ कल लंबे बालों के लिए, स्पेशली जो बालों की लेंथ को इंक्रीज करेगा उस ऑयल के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो। बाय।